हेलो फ्रेंड्स, 22 एप्रिल रु 28 एप्रिल पर्यंत आर्मी रैली हेबो राउरकेला रो उदित नगर ग्राउंड रे। आपन जदि अप्लाई करी नहंती आपन को हाथ रे अब 15 दिन टाइम रहिछि। या आरंभ हे गलानी 22 फेब्रुवारी रु 6 एप्रिल होछि लास्ट डेट। जदि आपन अप्लाई करी नहंती अप्लाई करी नहंतु 15 दिन सफिशिएंट टाइम आपन को पाई। जदि अप्लाई कर नहंती एथोर आपन अप्लाई करंतु आपन को निश्चित हेबो। आपणकर एडमिट कार्ड 7 एप्रिल ले आसीबो 13 एप्रिल मध्यरे 7 एप्रिल रु 13 एप्रिल मध्यरे आपणकर एडमिट कार्ड पाई जिवे। जदि न पाउछंती तेबे आपण मेल करिवे आर्मी रैली रो जो रिक्रूटमेंट बोर्ड अछि ताको मेल करले आपणकर एडमिट कार्ड मध्य आसी जिवो। सो मु आशा करछ आपण निश्चित अप्लाई करथिबे एवं प्रिपेरेशन मध्य चालीथिबो। तो ता विषय डिटेल्स रे आउ किछि डिस्कशन कर दोछि। देखंतु हाइट आपणकर सोल्जर जीडी पई केते आवश्यकता रहिछि तहारो प्रथमे आमे देखिबा एज कोन आवश्यकता रहिछि। एज 17.5 रु आपन जदि 17.5 वर्ष हे जाइछि 17.5 रु 21 वर्ष। देखंतु 21 पर आपन अप्लाई करि परिबे नै। जदि आपन अप्लाई करि नहंती करि नहंतु जदि एज हे जाइछि डेट ऑफ बर्थ आपनकर 1 अक्टूबर 1999 रु 1 अप्रैल 2003 भितरे आपनकर डेट ऑफ बर्थ जदि अछि आपन अप्लाई करि नहंतु। जदि हाइट भी अछि आपनकर हाइट रहिछि 169 हा आपनकर फिट रे देखले आपनकर केते हेबो 5 फुट 7 इंच पाखा पाखी हेबो। 7 इंच को टिके कम हेबो 169 मोर हाइट मते सेतकी रहिछि। वेट रहिछि आपनकर 50 केजी। चेस्ट आपनकर 77 एआर आपनकर जो रहिछि छाती छाती को एक्सप्लांट करिया पय पडिबा आपनको 5 सेम। जते आपन चेस्ट होने आपन डिप्स मारो तो आपन निश्चित हे जीवो। आपनको क्वालिफिकेशन कोन रहिबा आवश्यकता रहिछि 10th पास मिनिमम आपन 10th पास करतिए 45% एग्रीगेट मारथिबो किंबा आपनको आउटे हां ता सहित आपनको 33% ई सब्जेक्ट रहिबो। जदि आपनको 33 सब्जेक्ट नाही तो आपन चेष्टा करनु नै यहा को अप्लाई करिया पय। एवं आपनको जदि ग्रेड सिस्टम अछि आपनकर डी ग्रेड 33 रु 40 मार्क इंडिविजुअल सब्जेक्ट रे थिबो इज सब्जेक्ट रे थिबो किबा 33% थिबो सेतिर मध्ये आपनकर 33 किबा सी 2 ग्रेड रहिबार आवश्यकता रहिछि। ये थिला आपनकर जो सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी जो माने करछथि बॉर्डर उपरे तांको पई यहा थिला क्वालिफाई जो क्वालिफिकेशन एवं हाइट वेट चेस्ट आउ डेट ऑफ बर्थ। डिटेल्स मु कहली सोल्जर टेक्निकल पई कोन रहिछि 17.5 रु 23 वर्ष। जदि आपन साइंस स्टूडेंट तबे आपन यहा को अप्लाई करि परिबे। आपन को डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 रु 1 अप्रैल 2003 भितरे हितवर आवश्यकता रहिछि। सेम हाइट मध्य 169 हाइट रहिबा आवश्यकता रहिछि। वेट आपन को 50 केजी सेम रहिछि। जदि आपन को वेट हेउ नै डेली सकाळे बनाना खांतु निश्चित आपन को हाइट इंप्रूव हेबो 77 प्लस 5 सीएम आपनको एक्सप्लेन करिया पई पडियो। आपनकर चेस्ट को आपनकर एथिरे प्लस 2 आपन करथिबे इंटरमीडिएट एग्जाम पास करथिबे साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क आपनको रखिया पई पडियो एग्रीगेट रे एवं 40% ईच सब्जेक्ट आपनकर रहितबा आवश्यकता छै। जदि आपनकर 50% नाही तबे आपन आशा करंतु नाही किबा 40% ईच सब्जेक्ट नाही आशा करंतु नाही सोल्जर टेक्निकल पई आपन जीडी रे अप्लाई करंतु। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी एतिर आपनकर 17.5 रु 23 वर्ष पर्यंत रहिछि आपनकर एज 1 अक्टूबर रु 1997 रे 1 अक्टूबर 1997 रे आपनकर जन्म हेथिबा आवश्यकता रहिछि। ता सेथिरु 1 अप्रैल 2003 पर्यंत से भितरे आपनकर जन्म हेछि जदि आपन अप्लाई करि परिबे। ओके हाइट सेम रहिछि 169 सीएम 50 वेट रहिछि 50 केजी 77 आपनकर चेस्ट रहिछि आप 77 रु 5 सीएम आपन एक्सटेंड करिवे। प्लस 2 पास करिया आवश्यकता रहिछि इंटरमीडिएट पास करिवे। आपन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश मिनिमम मार्क 50% रहिबार आवश्यकता रहिछि। एग्रीगेट रे 40% आपनकर ईच सब्जेक्ट रहिबार आवश्यकता रहिछि। और 10th प्लस 2 आपन करथिबे इंटरमीडिएट इंग्लिश इंटरमीडिएट एग्जाम पास करथिबे यानी प्लस 2 पास करथिबे इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी एंड इंग्लिश आपन 50% मार्क एग्रीगेट रहिबार आवश्यकता रहिछि। 40% मार्क ईच सब्जेक्ट रहिबार आवश्यकता। यदि क्वालिफिकेशन आपन कर अछि तबे आपन अप्लाई करथु सोल्जर नर्सिंग रे अदरवाइज आपन जनरल ड्यूटी रे जीडी रे अप्लाई करि परिबे। सोल्जर क्लर्क पई कोन रहिछ आवश्यकता देखंतु सोल्जर क्लर्क पई आपनकर किंबा स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेस्टर
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 17.5-23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। 1 ଅକ୍ଟୋବର 1997 1 ଏପ୍ରିଲ 2003 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 162 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 162 ୟାନି 5 ଫୁଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ହାଇଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଏପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି କମ୍ ହାଇଟ୍ର ଆପଣ 50 କିଲୋମିଟର, ସରି, କେଜି ଆପଣଙ୍କର 50 କେଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ। 77 ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 5 cm ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ତାହାର ମାପ ନିଆଯିବ। 10+2 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। 60% ମାର୍କ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 50% ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 50% ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ ଅର୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ, ବୁକ୍ କିପିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 12th ଇନ୍ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି, ଇଂଲିଶରେ 50% ମାର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟସ ବୁକ୍ କିପିଂ 2+2ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସୋଲଜର ଟ୍ରେଡ୍ସମେନ୍। ଟ୍ରେଡ୍ସମେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଇ ସେମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 17.5-23 ବର୍ଷ। ବଣ୍ଡ କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, 1 ଅକ୍ଟୋବର 1997 1 ଏପ୍ରିଲ 2003 ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 169 ମାନେ 5 ଫୁଟ୍ 7 ଇଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏବଂ ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 48 ଯଦି କେଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟ 76 cm ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କରିବେ 5 cm। କ୍ଲାସ୍ 10 ସିମ୍ପଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କୌଣସି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି, ନୋ ଷ୍ଟିପୁଲେଟ୍ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବଟ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ମିନିମମ୍ 33 ଇନ୍ ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ 33 ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ 33 ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋଲଜର ଟ୍ରେଡ୍ସମେନ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ମସ୍ 8 ପାସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା 10th ପାସ୍ ପାଇଁ ଉପରଟା, ଇଏ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ତଳଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 17 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। 1 ଅକ୍ଟୋବର 1997 1 ଏପ୍ରିଲ 2003 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 169 ରହିଛି ହାଇଟ୍, 48 ୱେଟ୍ ରହିଛି, 76 ରୁ 5 cm ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। କ୍ଲାସ୍ 8 ସିମ୍ପଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଫର୍ ସିଙ୍ଗସ୍ ହାଉସ୍ କିପର୍ ଆଣ୍ଡ ମେସ୍ କିପର୍ ପାଇଁ ଏହା ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ, 33 ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ପେସିଆଲ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କ୍ଲାସ୍ କେଟେଗରୀ ବୋଥ ନେପାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ। ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କୋଟା ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରହିବ ସେଥିରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ରିଡ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି PDFର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର PDF। ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଆଗେ ଦେଖିଦେବା ଫିଜିକାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ହେବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ହାଇଟ୍ ମାପିଦେଲେ, ହାଇଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ହେବ। ରନିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 1.6 କିଲୋମିଟର ୟାନି 1600 ମିଟର ରନିଂ ହେବ। ସେଥିରେ ମାର୍କ ବି ରହିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଆସିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି 60 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏବଂ 5 ଫୁଟ୍ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ 31 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 48 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ପୁଷ୍ଅପ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିଲିଂ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ଯଦି ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି 40 ମାର୍କ ମିଳିବ, 9ଟା ମାରିଲେ 33 ମାର୍କ ମିଳିବ, 8ଟା ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 27 ମାର୍କ ମିଳିବ, 7ଟା ମାରିଲେ 21 ମାର୍କ ମିଳିବ, 6ଟା ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 10ଟା ମାରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଇଜିଲି ମାରିପାରିବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ସରୁ ବାର୍ ଥାଏ ଆପଣ ଇଜିଲି ମାରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗୋଟେ ଡିଚ୍ ରହିଛି, ଗାତ ରହିଛି, ତାହା ରହିଛି 9 ଫୁଟ୍ରୁ, ତାହାକୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ରହିଛି 9 ଫୁଟ୍, କିଛି ନା ଆପଣ ଆରାମସେ ଡେଇଁପାରିବେ। ଦେନ୍ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଜିଗ୍ଜାଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ରହିଛି, ଆପଣ ଇଜିଲି ତାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେଠି, ଦେନ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ବି ଆପଣ
पुशअप मारले आपणकर जो रही जिग्जाग क्रॉस कले आपणकर डिस्क क्रॉस कले करिबा पर आपणको कोन करा जीवो फिजिकल मेजरमेंट करा जीवो तापरे लाइन रे ठिया हबे सेतिर आपण खाइबा नै जैते बहुत भोक लागते सेतिर फिजिकल मेजरमेंट विल बी एक्युरेट आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स लिस्ट एट पारा टू हबो ओके मेडिकल टेस्ट तापर किछि आपणको करा जीवो ता पर दिन करंती किछि सेइ दिन ही करिथांती प्राय से दिन हुए नी आपण नेक्स्ट डे रे मेडिकल टेस्ट देबे तो फिजिकल जो दिन मेजरमेंट हेबो से दिन बहुत भोक लागबो तापर दिन जो मेडिकल टेस्ट हो आपण करो से मेडिकल टेस्ट रे मध्य आपण किछि खाइबा नै जैथि से भीतर आपण खाइबा किछि मिलिबो नै ओके देन आपण करो बैग रे नै जैथि से भीतर खाइबे आ तापर आपण करो रिटन टेस्ट हेबो नेक्स्ट आम देखा डॉक्यूमेंट कौन कौन आवश्यकता रही है एडमिट कार्ड आप निश्चित मस्ट एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आने एडमिट कार्ड आप ध्यान देते जो पेपर रे आप प्रिंट करेंगे छोट साइज छोट करें जो साइज रही साइज में ही आप प्रिंट करके आने फोटोग्राफ आपंकर फोटोग्राफ आपत कपी मागे सी 20 कपी मागे तो 20 कपी ही आने आपको तीन मस पूर्व फोटो आने रिक्स ने आप जदि न्यू फोटो अच्छी भल अच्छी कंडीशन तेज आने कि प्रोब्लेम ना तो बैक सैडटा ह्वैट बैकग्राउंड सी मागे ह्वैट बैकग्राउंड रोटो आनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ अच्छी आपंकर मार्कसीट अच्छी आपडमिट कार्ड अच्छी मो भाई निजे जो थे एडमिट कार्ड आनी ना जहाँफल सीए से आपणकर जो फिजिकाल तो 100 मार्क थिला बाकी सी जो फिजिकल मेजरमेंट पाई जाई पारले नै एडमिट कार्ड ड्यू टू एडमिट कार्ड ताको पाखरे नथिला नो अवेलेबल एडमिट कार्ड ओके तो आपण चेष्टा करबे एडमिट कार्ड हेगा सब सर्टिफिकेट नै जिवे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट रीजनल सर्टिफिकेट स्कूल सर्टिफिकेट एवं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनमेरिट सर्टिफिकेट रिलेशन सर्टिफिकेट किंबा आपनकर एनसीसी सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जहाँ अच्छी ताहा आपनकर जो मागिछि ए सर्टिफिकेट विषय में जदि किछि डाउट थाए आपन निश्चित कमेंट करिवे म आउ गोटे वीडियो आपनकर निश्चित जणे देबी सो मु भावुछि आपन निश्चित अप्लाई करिवे एवं होप नै जिवे मु करिवि बोली जदि आपन होप नै जाउछन्ती तबे ही आपन करि परिवे जदि आपन मेंटली डिप्रेशन थिवे होबो कि नै एथर हेबो कि नै ना मते एथर ही करिया पई अछि मेंटली फुल प्रिपरेशन आपण रनिंग फिजिकल सबुतिर आपण टफ करिवे निश्चित आपणकर हेबो कोनोसी प्रकारे आपण नेगेटिव केतले हेबे नै जे हेबो नै बोली आपणकर निश्चित हेबो मु आशा करूछि भिडियोटी आपणको हेल्पफुल हेथिबो जदि किछि भी डाउट थाय आपण निश्चित कमेंट करिवे मु निश्चित यार सोल्युशन आपणको दे देबी जो पॉइंट आपणको डाउट थिबो सेटा आपण कमेंट करिवे ओके आजर भिडियोर विदाय नउछि पुनि देखाबो नेक्स्ट किछि जॉब रो नोटिफिकेशन को नै कि बन्देत कर जानु नै।